हेलो नमस्कार अदा आप सस्रिया कॉल टू यू ऑल और मैं अभिनेत्री स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे इस इनिशियटिव में जिसमें आज हम बात करेंगे वॉफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ यू कैन से दिस प्लांट किंगडम दैट इज़ एनजीओ तो एनजियोस्पम्प्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं तो सबसे पहले हम एनजीओ का मतलब समझते हैं मीनिंग ऑफ एनजीओ देखिए एनजीओ जो ये शब्द है इट इज़ मेड अप ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स तो इसमें से जो एनजी है दैट इज़ अ ग्रीक वर्ड एनजियन और इस एनजियन से जो है इसका जो मीनिंग होता है वो होता है वैसल एंड स्पोमा या स्पम्स नहीं है स्पोमा होना चाहिए यहाँ पर स्पोमा इट मीन्स सीड एज यू ऑलरेडी नो सो वी कैन ऑल्सो कॉल देम द फ्लावरिंग प्लांट्स ठीक है ना एनजियो स्पॉम्स आर ऑल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स और द प्लांट्स विद सीड्स ओके इस मीनिंग के बाद हम उनकी कुछ जनरल कैरेक्ट्रिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स है तो फ्लावार नई टर्म uh, आती है आप लोगों के सामने जो कि बेसिकली हम सुनते रहते हैं बट हमें उसका एक्चुअल मतलब नहीं पता होता है देखिए प्लांट्स में जो है दो तरह के पार्ट्स होते, होते, होते हैं एक वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब क्या है रूट स्टैम लीफ ये सब क्या है उसके वेजिटेटिव पार्ट हैं बिकॉज दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बट रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है सिर्फ एक है दैट इज़ फ्लार अभी जो फ्लार है इसमें भी अलग अलग इसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर अगर आप देखें जो ये बल्ज पार्ट है दिस इज़ द पार्ट ये इसको हम बोलते हैं रिसेप्टिकल ठीक है ना रिसेप्टिकल इसके बाद अगर हम यहाँ पर ये ग्रीन कलर की कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखें इनको हम बोलते हैं सेप्पल ठीक है सैपल, ये जो यहाँ पर रेड औरेंज या पिंक कलर का स्ट्रक्चर है इसको वी कॉल इट पेटल्स जो एक्चुअल में जिसकी वजह से फ्लार की ब्यूटी बनती है मतलब वो ब्यूटीफुल लगता है ठीक है ना ओके okay. आफ्टर दैट यहाँ पर दो तरह के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती हैं मेल एंड फीमेल जैसे अगर हम यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये इलागेटेड जो पार्ट है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये एंथर ये फिलामेंट है और ये येल्लो जो बर्ज पार्ट है दैट इज एंथर इससे बनता है एंड्रोशियम दैट वी कॉल इट स्टेमन ठीक है एंड इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वी हैव दिस दिस प्लेटफॉर्म दैट इज स्टिग्मा दिस लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज स्टाइल एंड दिस बल्ज पार्ट ये जो बल्ज पार्ट है वी कॉल इट ओवरी और जब हम इन तीनों को मिला देते हैं तो एक पार्ट बन जाता है जिसको हम बोलते हैं पिस्टिल पिस्टल या फिर कार्पल एक्चुअल में सेपल नहीं सेप्पल को इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें ओवरी को इंक्लूड करेंगे ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी मिलकर क्या बनाते हैं कार्पल या फिर पिस्टल ये गाइनोशियम है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये सेप्पल रिसेप्टिकल फिलाेंट और एंथर मिलकर क्या बनता है स्टेमन एंड दिस पिंक पार्ट इज पैटल ठीक है तो ये हो गया एक फ्लार का स्ट्रक्चर पूरा ठीक है अब हम बढ़ते हैं जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिमनोसटॉम्स पर देखिए जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात यही है सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा हाईली इवोल्ड हैं ये रिसेंटली इवोल्ड हैं और हाईली इवोल्ड प्लांट्स हैं जितने भी अभी तक हमने बात की हमने थैलोफाइटा के बारे में बात की हमने टेराडोफाइटा के बारे में बात की ब्रायोफाइटा के बारे में बात की जिमनोसपम्प्स के बारे में बात की नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एनजियोस्पम्प्स तो एनजियोसपम जो है ये सबसे हाईली इवोल्ड हैं क्यों हैं हाईली वोल्ड इनके बारे में भी जानेंगे अभी अच्छा उसके साथ ही मोस्ट अबंडेंट हैं मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं सभी प्लांट्स में से वो एनजियपम्प यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स एंड कॉन्सपिक्यूअस cons है बिकॉज ऑफ देर साइज बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी कॉन्सपिक्यूस भी हैं, सबसे ज्यादा डाइवर्स हैबिटाट है इनका हैबिटाट बहुत ज़्यादा डाइवर्स है मतलब अलग अलग हैबिटाट में चाहे वो आपका हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयाज हो इवन 6000 मीटर तक आपको ये मिल जाएंगे अंटार्कटिका बिल्कुल फ्रोजन जो हम अंटार्कटिका वहाँ पर भी आपको फ्लावरिंग प्लांट्स मिलेंगे इवन डेजर्ट्स में भी आपको फ्लावरिंग प्लांट्स मिलेंगे अंडरग्राउंड्स भी कुछ ऑर्किड्स होते हैं जो अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं ठीक है इवन इन सी समुद्र में भी आपको एक्सेप्ट दिस टू मतलब जोस्टेरा और थैलेशिया के अलावा और दूसरा कोई भी जीनस नहीं है जो पाया जाता है सी में लेकिन सी के अलावा जितने भी आपके हैबिटाट्स हैं सब में ये दे आर फाउंड एपीफाइड्स की फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं एपीफाइड जनरली पूछ लिया जाता है एक नंबर में डेफिनेशन पूछ सकते हैं या फिफाइड्स को जनरली ऐसे पूछ सकते हैं तो आप मॉइस्ट एरिया जो होते हैं जहाँ पर ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है वहाँ पर कुछ प्लांट्स क्या करते हैं दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और ऐसा नहीं है कि अब पैरासाइट और एपीफाइट्स से इसको बिल्कुल भी हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है पैरासाइट्स क्या है जो अपने न्यूट्रिशन भी डिराइव करते हैं पैरासाइट्स क्या अपने न्यूट्रिशन भी डिराइव करते हैं दूसरे होस्ट प्लांट्स से लेकिन यहाँ पर ये न्यूट्रिशन डिराइव नहीं कर रही सिर्फ स्पेस के लिए इनके पास स्पेस नहीं है बस वो स्पेस के लिए ग्रो कर रहे हैं दूसरे प्लांट पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो जीनस है वेंडा ठीक है ना वेंडा जो जीनस है इसके प्लांट्स जो है दे आर एपीफाइड्स ओके अब डाइवर्सिटी देखिए साइज़ में भी बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है स्मॉलेस्ट जो है वो पॉइंट वन सेंटीमीटर का जीनस वोल्फिया एंड अगर हम बात करें मोर देन हंड्रेड मीटर हाइट का प्लांट दैट इज़ यू कैलिप्टस रेगनेंस ठीक है ना तो ये लार्जेस्ट प्लांट है ये लार्जेस्ट प्लांट है हमारे प्लांट किंगडम में और हम कह सकते हैं एनजियोसपम्प्स में जिम्नोसपम्प्स में हमने बात की थी कि जाइलम जाइलम जो टिश्यू है जो कंडक्टिंग टिश्यू है दैट डू नॉट कंटेन दीज वेसल्स ठीक है ना वेसल्स उनके पास नहीं होते हैं और इसी वजह से जो है उनकी जो एफिशिएंसी होती है वाटर की क्योंकि जाइलम क्या काम करता है जाइलम जो है रूट से जो वाटर या मिनरल्स है उनको ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है ठीक है बाकी प्लांट के पार्ट्स के पास स्टैम है ब्रांचेज हैं शूट सिस्टम लीव्स हैं फ्लावर हैं सबके पास जो है प्लांट्स को सॉरी वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम जाइलम का होता है ठीक है तो यहाँ पर हमने देखा था मैंने आपको लास्ट क्लास में जिम्नोस्पम्प्स की क्लास में बताया था कि भाई एनजियोस्पम्प्स में जो है वेसल्स होने के कारण इनकी एफिशेंसी बढ़ जाती है और इसी वजह से इनकी हाइट जो है वो ज़्यादा अटेन करते हैं हाइट इसी के साथ साथ हमने बात की थी कि फ्लोएम जो है इसमें सीव ट्यूब्स भी होती है और कॉम्पेन सेल भी होती हैं सीव ट्यूब्स की जगह जिम्नोस्पाम्स में हमने आपको बताया सीव सेल्स होती हैं और कॉम्पेन सेल की जगह एलब्यूमिना सेल्स होती हैं क्योंकि इनका जो काम होता है उनकी जो वर्किंग होती, होती है वो थोड़ी सी लेस एफिशिएंट होती है एज कंपेयर टू दीज टू स्ट्रक्चर्स ठीक है तो इसी वजह से एनजियोस्पम्स आर मोस्ट इवोल्व यू नो यू कैन से कंपेरेबली मोल्ड मोर इवोल्व देन जिम्नोस्पम्स ओके अभी तक हमने जो बात की थी जैसे हमने जिम्नोस्पम्स के बारे में बात की कि स्पोरोफिल्स जो थे स्पोरोफिल्स जो थे वो हमने देखा था कि कॉन्स में एग्रीगेट हो जाते हैं स्पोरोफिल्स कॉन्स में एग्रीगेट हो जाते हैं और वो कॉन्स हमने देखा था कि जब हम जिम्नोसफम्स के तो वुडी कॉन था वहाँ पर है ना लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर ये यह स्पोरोफिल्स एग्रीगेट होकर एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ठीक है ना तो लीव्स ही थी वो लीव्स जिनको हम स्पोरोफिल्स बोल रहे थे वहाँ पर एग्रीगेट होकर क्रॉन बना लेते हैं और यहाँ पर एग्रीगेट होकर वो क्या बना लेते हैं फ्लार का स्ट्रक्चर जिसके बारे में अभी हमने बात की अब जी स्पोरोफिल्स हैं ये दो तरह की होती हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स होती हैं और मैगा होती हैं जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं मैक माइक्रोस्पोरोफिल को यहाँ पर हम स्टेनम के स्टेमन के नाम से जानते हैं जिसके अंदर एक ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम फिलामेंट या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं फिलामेंट और जो ये बाइलोब्ड जो स्ट्रक्चर है ये वाला जो है बाइलोब दो लोब से बना हुआ एक थिक स्ट्रक्चर जिसको हम एंथर बोलते हैं ठीक है अगर इस इसी एंथर का आप टी एस लें ट्रांसफर सेक्शन इस तरह से इसको काट दें यहाँ से तो आपको ये कुछ इस तरह से विजिबल होगा और इस विजिबल विजिबल स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पोलन सैक कहलाता है ये इसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं जब ये बड़े साइज में हो जाता है तो इसको हम पोलन सैक और इन पोलन सैक्स में क्या है ये माइक्रोस्पोर्स जो कि लेटर क्या बनेंगे पोलन ग्रेन्स बनेंगे ठीक है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम ट्वेल्थ ये एक्चुअल में ट्वेल्थ क्लास का टॉपिक है लेकिन फिर भी आपके एक इमेजिनेशन आप इमेजिन कर पाएँ कि किस तरह से कह, कह, कहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर है इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पर इंक्लूड कर ली है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेमन जो है दैट इज मेल पार्ट इसलिए वी इट एंड्रोशियम एंड कार्पल और पिस्टल वी इट गायनोशियम ठीक है ये देख सकते हैं आप अगेन स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ओवील ओवरी के अंदर ओव्यूल अभी इनके बारे में बात करेंगे ये हमने देखा एंथर एंथर के अंदर ये अगर हम इसका यहाँ पर जैसे एल लिया हुआ है अगर हम टी लेंगे तो किस तरह से दिखेगा वो हम देख सकते हैं ठीक है तो ये सब चीजें हैं मेगा स्पोरोफिल की बात करें तो बात बता चुका हूँ मैं कार्पल या पिस्टल तीन तरह के स्ट्रक्चर हैं स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी अब ये जो ओवरी है ये जो बर्ल्स पार्ट है बेस में ओवरी इस ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर है जो ये डार्क ग्रीन तरह का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर कहलाता है ओव्यूल तो ओव्यूल जो है ओवरी के अंदर है यहाँ पर हम देख सकते हैं इन ओव्यूल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर और है ये जो ऑरेंज टाइप का जो एक स्ट्रक्चर रखा हुआ है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रोसैक और इस एम्ब्रोसैक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखते हैं पहले ठीक है तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये माइक्रोस्पोरोफिल और मैगापोरोफिल के आप डिफरेंसेस uh, देख सकते हैं आपको पता है माइक्रोस्पोरोफिल इट बियस माइक्रोस्पोरेंजिया मैगापोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया में आपको क्या मिलेंगे माइक्रोस्पोर्स जो कि लेटर लेयर्स uh, के बाद पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं ये जो पोलन ग्रेन्स है ये माइक्रोस्पोरोफिल के पास ही नहीं रह जाते हैं दे आर ऑलवेज शेड इनको शेड कर दिया जाता है ये फीमेल प्लाट रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास चले जाते हैं मेल गैमेटोफाइट हमेशा कहाँ बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट के पास जाकर बनेगा और एनजियोस्प्स में जो माइक्रोस्पोरोफिल है ये स्टेमन में मॉडिफाई हो जाते हैं ठीक है और वहीं इनके डिफ्रेंसेज आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे माइक्रोस्पोर होते हैं यहाँ पर एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होता है ठीक है सीड प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पर जो ये पोलन ग्रेन्स हैं ये जैसे मैंने शेड हो जाते हैं यहाँ पर ये मेगास्पोर रिटेन किया जाता है ठीक है ना इनसाइड द माइ मैगापोरेंजियम फिर मेल गैमेटोफाइट जो फीमेल गैमेटोफाइट के पास बन रहा है यहाँ पर क्या होता है इन फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल गैमेटोफाइट जो वो माइक्रो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही जो है बनता है और यहीं पर ही फर्टिलाइजेशन होता है साथ में जो मेगास्पोरोफिल है इट इज़ मॉडिफाइड इनटू कार्पल ठीक है तो ये चीज़ यहाँ पर है डिफ्रेंसेज आप देख सकते हैं यहाँ ये यह बड़ा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ठीक है ना ये मैंने आपको क्या दिखाई ये हम पहले जाने ये जो प्लेटफॉर्म है दैट इज स्टिग्मा ये जो नेक है दैट इज स्टाइल और ये जो बल्स पार्ट है दैट इज ओवरी इस ओवरी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा ये ओव्यूल ठीक है ना ये जो ओव्यूल है ठीक है अब ये जो ओव्यूल है जिसको मेगा स्पोरेंजियम भी बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम ठीक है तो ये जो ओव्यूल है इसके अंदर हम देख सकते हैं इसके अंदर ये जो ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर रखा है दैट इज एम्ब्रियो सैक दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट मेल गैमेटोफाइट वाज पोलन ग्रेन्स फीमेल गैमेटोफाइट इज एम्ब्रोसैक ठीक है अब इस एम्ब्रोसैक के अंदर देखिए यहां पर आपका जो है एग, शेल, एग, या ओवम, एग और इसके साथ में जो दो सेल्स हैं ब्लू वाले छोटे ये क्या है सिनरजेड्स ये जो दो है दो पोलर न्यूक्लियाई है, है एग सेल भी है ठीक है और यहाँ पर ये तीन जो सेल्स हैं ये क्या है आपके ये सेल्स कौन से है? ये हमारे वी कॉल इट एंटीपोडल सेल्स ठीक है ये एंटीपोडल सेल सैक के अंदर मतलब ये इस तरह के सेल्स होते हैं ठीक है इनको आप और डिटेल देख सकते हैं देखिए ये ओवरी की वॉल है और इस ओवरी की वॉल पे यहाँ पर प्लेसेंटा और प्लेसेंटा से अटैच्ड है फ्यूनिकल फ्यूनिकल वो पार्ट है जिसके थ्रू ये इससे अटैच्ड होता है कौन ये हमारा आ, ओव्यूल हमारा मेगास्पोरेंजियम तो ओव्यूल जो है एंजियोस्प्स के ओव्यूल की बात कर रहे हैं ठीक है और ये इसका चलाजे लैंड होता है ओव्यूल का ये दोनों इंटेग्यूमेंट्स से लेयर है जो हमने पीछे वाले में देखी ये पूरा न्यूसिलियस है और इसी न्यूसिलियस के अंदर से क्या होगा एक सेल जो है डेवलप होकर एम्ब्रोसैक बनाएगा और उस एम्ब्रोसैक के अंदर फिर फाइनली आपके एंटीबॉडल सेल इनर्जेट एग सेल पोलर न्यूक्लिय वो सब बन जाएंगे ठीक है ये जितने मास ऑफ सेल है न्यूसिलस का मास ऑफ सेल्स है इन न्यूसिलस में से एक सेल डेवलप हो जाएगा और पूरा एम्ब्रोसेक यानी कि फीमेल कैमेटोफाइट बना लेगा ठीक है तो आप देख सकते हैं वही सब चीज़ें हैं एम्ब्रोसेक मैंने आपको दिखाया ये एक्सेल है ये सीनरजिड्स हैं ये इसका माइक्रो एंड है ये हाइलम है रीजन जिस रीजन में ये अटैच होते हैं फ्यूनिकल जिस चीज़ से जिस स्टॉक से ये अटैच्ड होता है किससे ओवरी की वॉल से प्लेसेंटा से कौन ओव्यूल ठीक है एंटीपोडल सेल्स से हैं ऊपर ठीक है ये रेफे वो रीजन ये स्कार है एक तरह का ये चलाजा लैंड है ये न्यूसिलस पूरा और इस न्यूसिलस में एक न्यूसिलस का सेल ने डेवलप होकर क्या बना लिया एम्ब्रोशेक बना लिया और ये दो लेयर्स हैं इंटेग्यूमेंट्स ठीक है जी तो ये देख सकते हैं आप अलग अलग तरह के ओव्यूल्स होते हैं अगर हम एनजीओ की बात करें तो एनजीओ में एनाट्रोपस ओव्यूल होते हैं यानी कि इस तरह से ये यहाँ पर माइक्रो पायलर एंड है और यहाँ पर चला जल एंड है इसको हम इन्वर्टेड बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस कहाँ पर मिलेंगे ऑर्थोट्रोपस जिम्नोस्पम्प्स में मिलेंगे यहाँ पर ये इसका माइक्रो पाइलर एंड है और ये इसका चला जल इसको हम अपराइट बोलते हैं अपराइट ओव्यूल ठीक है तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ऑर्थोट्रोपस कहाँ है एनाट्रोपस कहाँ है इस तरह से ठीक है कुछ प्लांट्स में फिर हेमिट्रोपस है कुछ में एम्फिडोट्रोपस है कुछ में कैंपाइलोट्रोपस है कुछ में सरगानोट्रोपस तो अलग अलग तरह के ओविल छह तरह के ओवल जनरली देखने को मिलते हैं अब ये सारा स्ट्रक्चर हमने देख लिया हमने देख लिया किस तरह से जो है देखिए अब मैं आपको बताता हूँ हमने अभी तक क्या देखा देखिए हमने अभी तक इस फ्लावर में ये फ्लावर हमने कैसे दिखाया हो ये फ्लावर हमने जो है बाई सॉरी यूनिसेक्सुअल फ्लायर फ्लॉर दिखाए क्योंकि इसके अंदर एंड्रोशियम भी और गायनोशियम भी अब देखिए एंड्रोशियम से जो पोलन ग्रेन्स है उनको कहाँ पर जाना है उनको जाना है यहाँ स्टिग्मा पर स्टिग्मा पर ये जाएंगे एक पोलन ट्यूब बनाएंगे ओव्यूल के पास ओव्यूल में एंट्री करेंगे एम्ब्रोसेक में एंट्री करेंगे फाइनली और एम्ब्रोसैक में क्योंकि एग है एग के साथ फर्टिलाइज कर देंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये अब पूरा प्रोसेस कैसे होता है वो देखते हैं यहाँ पर आइए अब आप ये देखिए सबसे पहले तो पोलिनेशन होगा ठीक है ना पोलिनेशन और जनरली एनिमल्स के थ्रू होता है और एनिमल्स में इंसेक्ट्स के थ्रू होता है यानी कि ये पोलिनेटर है पोलिनेटिंग एजेंसी हम इनको बोलते हैं देखिए यहाँ पर पोलन ग्रेन अपने आप से स्टिक कर कर यहाँ से ये आ गया क्रॉस पोलिनेशन में इस तरह से होगा ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टिग्मा पर ये लैंड कर जाएंगे पोलन ट्यूब ग्रो करेगी स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए कहां पर पहुंचेगी ओव्यूल में ओव्यूल में पहुंचने के बाद ये एंटर करेगी एम्ब्रूस के अंदर पोलन ट्यूब और फिर यहां पर क्या होगा यहां पर क्या होगा ये जो जर्मिनेट होकर पोलन ग्रेन्स ने दो मेल गैमेट बनाए थे वो उनमें से दोनों मेल गैमेट्स एक्चुअल में डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे किसमें एम्ब्रियोसेक के अंदर एक मेल गैमेट जो फ्यूज कर जाएगा एग सेल के साथ जायोड बना देगा ठीक है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन दूसरा जो मेल गैमेट है वो जो हमने दो पोलर न्यूक्लिया दिखाए थे उनके साथ फ्यूज हो जाएगा और क्या बना देगा एक ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस बना देगा

और जो प्राइमरी एंडोस्पॉम न्यूक्लियस है वो डेवलप हो जाएगा एंडोस्पॉम में योरिया एंडोस्पॉम क्या होता है इसके अंदर फूड होता है इसके अंदर इट इज फूड लर्डन सो इट्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो एम्ब्रियो को जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस जो है प्राइमरी एंडोस्पॉम uh, में डेवलप हो जाता है सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल जनरली डिजनरेट हो जाते हैं ठीक है डिजनरेट होकर एक्चुअल में रास्ता दे प्रोवाइड द वे फॉर द एंट्री ऑफ दिस पोलन ट्यूब ठीक है अब जो ओव्यूल है एक्चुअल में जो ओव्यूल पूरा स्ट्रक्चर था वो डेवलप हो जाएगा सीड में ठीक है और जो ओवरीज हैं वो डेवलप हो जाएंगी फ्रूट्स में यानी कि जो हम फ्रूट्स एक्चुअल में खा रहे हैं वो फ्रूट क्या है ओवरी है और उसके ओवरी के अंदर क्या है उस ओवरी के अंदर क्या है सीड्स हैं दैट इज ओव्यूल ओव्यूल ही डेवलप हो गए हैं सीड में और ओवरी डेवलप हो गए फ्रूट्स में ठीक है ये चीज़ हमने देखी अब इन दोनों के बीच के कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन सिंगेमी क्या है ये एक्चुअल या जेनेटिव फर्टिलाइजेशन है ये वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है यहाँ पर दोनों मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं यहाँ पर सिर्फ एक मेल गैमेट फ्यूज़ होता है दो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई के साथ ठीक है जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं सिनगैमी प्रोड्यूस करता है एक डिप्लोइड जाइगोट यहाँ पर ये ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पॉम सेल प्रोड्यूस करता है जाइगोट यहाँ पर जो बनता है वो एम्ब्रियो बना लेता है और यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पॉम सेल लेटर ऑन क्या बना लेता है फूड लेडन एंडोस्पम बना लेता है ठीक है यहाँ देखिए ये बड़ा स्ट्रक्चर मैंने करके दिखाया ये किसका स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक है ये ये क्या है इसमें तीन क्या है एंटीपोडल सेल्स हैं ठीक है दो पोलर न्यूक्लियाई है ये पूरा बड़ा वाला सेंट्रल सेल हो गया और ये इस पर एग हो गया और दो सिनर्जिड्स हो गए ये फिलीफॉम एप्रेटस हो गए होता क्या है कि देखिए अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ ये देखिए ये देखिए फटक प्रॉपर एकदम ये देखिए पोलन ग्रेन क्या हुआ पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुए जर्मिनेट होने के बाद इसने उन्होंने कि ये रेड कलर की पोलन ट्यूब बना ली और इन पोलन ट्यूब में क्या है ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर दो मेल गैमेट बना लेते हैं ये मेल गैमेट अब यहाँ आएंगे अंदर पहुँचेंगे इस एम्ब्रियो ये पूरा स्ट्रक्चर हमने क्या दिखा रखा है ये वाला जो स्ट्रक्चर है पूरा ये क्या है एम्ब्रियो सॉरी ये है आपका ओव्यूल ये क्या है आपका ओव्यूल ठीक है इस ओव्यूल के अंदर ये जो दो लेयर्स दिख रही हैं ये क्या है आपके इंटेग्यूमेंट्स और इंटेग्यूमेंट्स यहाँ पर ये पूरा ये वाला स्ट्रक्चर है न्यूसिलस इस न्यूसिलस में से एक सेल डेवलप हो गया एम्ब्रोसैक बना लिया एम्ब्रोसेक बनाने के बाद ये तीन एंटीपोडल सेल और यहां पर देखिए और नीचे जो है ये दो सिनर्जिट और यहां पर फिलीफोम तो होता क्या है कि जब ये पोलन ट्यूब यहां पर आती है और ओव्यूल के अंदर से यानी कि देखिए माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री कर रही है मोस्टली माइक्रोपाइलर एंड से ही एंट्री करती है लेकिन कभी कभी ये क्या करती है यहां साइड से भी एंट्री कर जाती है और कभी कभी चलाजल एंड से भी एंट्री कर जाती है लेकिन मोस्टली हम यही ध्यान रखेंगे माइक्रोपाइलर एंड से ही एंट्री करती है अब माइक्रो पाइलर एंड से जब एंट्री करती है तो सिनर्जेट्स और फिलिफॉर्म एपरेटस यहां पर मदद करते हैं स्पोलन ट्यूब को एंट्री करने में इस एंब्रोसैक के अंदर ठीक है कैसे सिनर्जेट जो है क्या हो जाते हैं डिजनरेट हो जाते हैं ठीक है और इनके साथ साथ वैसे एंटीपोडल सेल भी डीजनरेट हो जाते हैं ठीक है क्योंकि इनका यहाँ पर कोई काम नहीं है सिर्फ डी होकर स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं एपरेटस के साथ मिलकर तो दो मेल गैमिट आ गए हैं अब ये दो मेल गैमिट में से एक एग के साथ जो है फ्यूज़ करेगा जिसको हम सिन्गैमी बोलते हैं जिससे जाइगोड बनेगा जाइगोड से एम्ब्रियो बनेगा ठीक है और ये जो दो पोलर न्यूक्लिया थे इनके साथ दूसरा मेल गैमेट करेगा जिससे क्या बनेगा प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस उससे एंडोस्पम्प और वो एंडोस्पम नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर था ओव्यूल ये क्या बन गया सीड जो आप जनरली निकाल के फेंक देते हैं पपाया में देख सकते हैं आप एप्पल में देख सकते हैं आप ये ओव्यूल क्या है अब आपका ये पूरी सीड है ठीक है और ये जो ओवरी वाला जो स्ट्रक्चर है ये जो ओवरी है ये क्या है ये आपका फ्रूट है कई कई बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें पूरा का पूरा फ्लावर ही जो है फ्रूट में तब्दील हो जाता है कुछ प्लांट्स में सिर्फ ओवरी ही सिर्फ जो है कन्वर्ट होती है किसमें फ्रूट में ठीक है तो ये कुछ चीज़ें थी बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई फिर ये जाइगोट है जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो वो भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो हो सकता है हर्ट शेप्ड एम्ब्रियो हो सकता है मैच्योर एम्ब्रियो फिर इस तरह से मतलब ये स्टेजेज़ हैं जयगोट एम्ब्रियो किसी कुछ प्लांट्स में ग्लोबल एम्ब्रियो में ही स्टॉप हो जाएगा एम्ब्रियो फिर किसी में हार्ट शेप नहीं हो जाएगा और किसी में पूरा मैच्योर होकर इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर बना लेता है ठीक है तो एक्चुअल में मतलब किसी का मतलब यह है कि एक प्लांट के अंदर ये स्टेजेस हैं ठीक है ना पहले ग्लोबल और एम्ब्रियो बनेगा फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा फिर ये मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा जिसके अंदर आप देख सकते है, part, pruruts, हैं रेडिकल पार्ट जहाँ से रूट्स बनेंगी ट्रू रूट्स टैप रूट्स जिसे हम बोलते हैं और प्रिम्यूल जिससे आपका शूट सिस्टम डेवलप होगा और ये कोटोलेटन ये क्या डेवलप करेंगे ये जो दो कोटोलेटन है मतलब ये डाइकोट सीड है ये भी एक तरह का क्या करते हैं ये भी जो है नरिशमेंट ही प्रोवाइड करते हैं ठीक है फूड होता है इनके अंदर भी ठीक है रिजर्व फूड मटीरियल होता है कोटोलेटन्स के अंदर ओके okay, ये आपके अलग अलग तरह के एंडोस्पम्प्स हैं न्यूक्लियर टाइप हो सकते हैं सेलुलर टाइप हो सकते हैं हेलोबिल टाइप है ये हम ट्वेल्थ क्लास में पढ़ते हैं यहाँ पर अभी इस वक्त नहीं पढ़ते हम ठीक है इसलिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अच्छा अब दो तरह के सीड्स बन जाते हैं प्लांट्स एनजियोस्पम्प प्लांट दो तरह के हो जाते हैं डाइकोट और मोनोकोट जिनके डिफरेंसेस हम देख सकते हैं लेकिन डाइकोट के बारे में मैंने आपको पहले बताया हो डकोट सीड कुछ इस तरह से होती है ये दो कोटेलेडन है जिनमें फूड होता है और ये प्लियोल है और रेडिकल है प्लूमिल से शूट सिस्टम डेवलप होता है रेडिकल से रूट सिस्टम डेवलप होता है ठीक है ये कुछ कार हैं कुछ मतलब ऐसे स्ट्रक्चर से होते हैं जिनको हम हाइलम और ये एंड जो मैंने आपको बताया ओपनिंग माइक्रोपाइलर ओपनिंग लाइफ साइकिल देखते हैं जियो स्पॉम्प्स की पहले भी बता चुका हूँ सारा स्ट्रक्चर वही सब चीज़ है आ, पहले बता चुका हूँ कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है यानी कि जो मेजर जो फेज़ होता है वो डिप्लॉयड होता है यानी कि स्पोरोफाइट जो होता है वो एक डिपेंडेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है ठीक है सॉरी इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है डिपेंडेंट नहीं ठीक है तो यहाँ हम देख सकते हैं स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर यह क्या एंथर है और यहाँ पर एक यह क्या स्टिग्मा है तो यहाँ से क्या बनेगा माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर डेवलप करेंगे यहाँ पर मेगास्पोर से मदर सेल डेवलप होगी मेगास्पोर मदर सेल से ये एम्ब्रोसैक और एम्ब्रोसैक से एग डेवलप होगा तो माइक्रोस्पोर जो है वो पोलन ग्रेन्स में तब्दील हो जाएंगे इंटाइन और एग्जाइन के बाद फिर ये मेल गैमेटोफाइट जो होगा आपका ये गैमेट से ये पोलन ट्यूब बनेगी पोलन ट्यूब से ये गैमेट्स अंदर आएंगे फर्टिलाइजेशन होगा जयगोड बनेगा जयगोड से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से फिर दोबारा से यही स्पोरोफाइटिक बॉडी बन जाएगी ठीक है तो हमने देखा गैमेटोफाइटिक बॉडी कैसी हमारी एन है यानी कि हेप्लॉयड है और स्पोरोफाइटिक बॉडी कैसी है हमारी है, डिप्लॉयड है, है तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलती रहती है इन दोनों के बीच एंड इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में जो ज़्यादा फेज आप देख सकते हैं ज़्यादा फेज डिप्लॉन्टिक है इसलिए वी कॉल इट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ठीक है इसके बारे में पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ ओके okay. ये कुछ जिम्नोस्पम और एनजियोस्पाम्स के डिफरेंसेस हैं आप पढ़ सकते हैं ऐसा कुछ नई चीज़ नहीं है जो चीज़ अभी तक हमने पढ़ी है वही है जैसे यहाँ पर आप स्पोरोफिल्स कॉन्स में डेवलप हो जाते हैं यहाँ पर स्पोरोफिल्स फ्लार में डेवलप हो जाते हैं यहाँ पर कॉन्स यूनिसेक्शुअल थे यहाँ पर जनरली बाईसेक्शुअल होते हैं फ्लार ठीक है ना ओके okay. ओके okay. स्पोरोफिल uh, हाँ एक चीज़ ये ध्यान रख लीजिए शायद मैं मैंने पीछे गलती से गलत बता दिया आपको देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब वो होता है कि जहाँ पर आ, जिस फ्लार में या तो एंड्रोशियम होगा या गायनोशियम मतलब एक ही सेक्स जिसके अंदर होगा एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा मेल या फीमेल तो उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं और बाइसे बाई हम किसको बोलते हैं जिसके बाद दोनों पार्ट हों ठीक है हाँ जी ठीक है ओके okay. तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं ये कुछ सॉरी डिफरेंसेस हैं जो आप देख सकते हैं इनमें से कुछ डिफरेंसेस आप याद कर सकते हैं पूछे जा सकते हैं ये आपसे फिर जो एनजियोस्पम्प है दे आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू काइंड्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ कोटेलेडन तो अगर दो कोटेलेडन है वी कॉल देम डाइकोट्स एंड अगर एक कोटेलेडन है उनके सीड में तो हम कहेंगे मोनोकोट्स uh, या मोनोकोटेलेडन तो कुछ डिफरेंसेस देख सकते हैं जैसे लीव्स यहाँ पर रेटिकुलेट विनेशन के साथ होती हैं यहाँ पर पैरेलल जैसे पैरेलल और विनेशन में मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंस क्या होते हैं जैसे ये हम लीव्स देख सकते हैं इस लीवस में अगर वीन्स वेन्स जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं जैसे बनाना के आप प्लांट में देखेंगे पैरेलल तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये मोनोकोट प्लांट है और अगर रेटिकुलेट है मतलब इस तरह से एक से दो फिर इससे फर्दर ब्रांचिंग इस तरह से हो रही है तो वी कॉल इट रेटिकुलेट वेन बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो होगा हमेशा टैप रूट सिस्टम होगा मेनली यहाँ पर एडवेंटेशियस रूट होंगी ठीक है और बाकी जितने भी डिफरेंसेज है वो हम और ज़्यादा अच्छे से जब समझ में आएंगे जब हम नेक्स्ट uh, मोर्फोलॉजी और एनाटमी वाला चैप्टर पढ़ेंगे ठीक है तो तब तक के लिए uh, अभी फ़िलहाल आप इनको एक बार देख लीजिएगा भाई हैव अ ग्लान्स ऑन दीज डिफरेंसेस ठीक है और समझने की कोशिश हम तब करेंगे ये सब आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये सब हम पहले ही कर चुके हैं ठीक है थीके? तो एनजियोस्पम्प्स में हमने ये सारी चीज़ इनकी देखी कि कहाँ पर किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं और आई होप कि आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी ठीक है और अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाय विनय अत्री और आप मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इनको शेयर कीजिए ताकि जो मेरा मोटिव है जिन बच्चों के पास जिन जो बच्चे कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते जिन बच्चों को के पास इतने जो इतने प्रिवलेज नहीं हैं उन बच्चों के पास जो है ये वीडियोस पहुंच सकें तो टिल देन थैंक यू थैंक यू वेरी मच